चुकी है तो इस टाइम पर शनील के फैब्रिक्स बहुत ज्यादा इन ट्रेंड रहते हैं, यानी कि बिकते हैं। तो उसी की कुर्ती आज मैं आप लोगों के साथ बनाना शेयर करने वाली हूँ कि आप शनील या फिर वेलवेट की कुर्ती कैसे बना सकते हैं घर पर ही। सो फुल कटिंग एंड फुल स्टिचिंग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और स्लीव्स पर हम एक डिजाइनिंग भी करने वाले हैं। तो हो सकता है स्लीव्स का वो डिजाइन वाला वीडियो अलग जाए और ये फुल कटिंग एंड स्टिचिंग आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। कुर्ती बनाने के लिए देखिए मैंने यहाँ पर 1 मीटर का कपड़ा ले लिया है और हमारे गरारे में से ये कुछ कपड़ा बचा था, इसमें से हमारी बाजू निकल जाएगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपको 1.5 मीटर का कपड़ा लेना है अपनी कुर्ती बनाने के लिए। अगर आप फुल स्लीव्स का बना रहे हैं तो आपको 1.5 मीटर लगेगा, अगर आप छोटी छोटी बाजू बना रहे हैं तो आपका ये 1 मीटर में भी आराम से बन जाएगा, क्योंकि वेलवेट का जो कपड़ा होता है उसका अर्थ काफी ज्यादा होता है। तो सबसे पहले हम अपनी कुर्ती की कटिंग करेंगे। देखिए यहाँ पर ये मेरा जो कपड़ा है ये कुछ इतना है, तो इसको सबसे पहले आप बिल्कुल बीचों बीच में से फोल्ड कर लीजिए। यहाँ पर हम अपने फ्रंट और बैक पार्ट दोनों एक साथ कटिंग करेंगे, इसलिए पहले देखिए इसको बिल्कुल बीचों बीच में से फोल्ड करेंगे। अभी देखिए कपड़े की हमारे पास यहाँ पर 4 लेयर्स हो जाएंगी, 1, 2 और ये 2, तो हमारी ये 4 लेयर्स हो गई। इसमें से हमारा फ्रंट एंड बैक पार्ट दोनों एक साथ कटिंग होगा। सबसे पहले ऊपर देखिए आड़ा टेढ़ा कपड़ा है, तो इसको बिल्कुल हम सीधा कर लेंगे सीधा निशान लगाकर। यहाँ से हम पहले तो लंबाई के निशान लगाएंगे कि आपको अपनी कुर्ती की लंबाई कितनी रखनी है। यहाँ पर देखिए अभी हमने मेजर किया है तो हमारे पास 32 इंच आ रहा है, यहाँ पर सीधा हम एक 32 इंच पर निशान लगा लेंगे और इस निशान को बिल्कुल सीधा करेंगे। अब यहाँ से कपड़ा फोल्ड करने के लिए हम 1.5 इंच के मार्जिन लेते हुए एक निशान और लगाएंगे और इस निशान को भी सीधा करेंगे। तो ये हमारे लंबाई के निशान लग गए और नीचे से कपड़ा फोल्ड करने के लिए हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन के भी निशान लगा दिए। अब यहाँ पर देखिए हम अपने शोल्डर्स के लिए निशान लगाएंगे, तो कंधा जो है वो है यहाँ पर 6 इंच, यानी खुलकर आएगा हमारा पूरा 12 इंच। वैसे भी हमारा कपड़ा जो होता है थोड़ा सा स्ट्रेचेबल होता है, इसलिए हम यहाँ पर 5.25 इंच पर ही निशान लगा रहे हैं। और गले की जो लंबाई रहेगी यानी कि चौड़ाई रहेगी वो यहाँ पर 3 इंच पर रहेगी। 3 इंच हमारी नॉर्मली भी गले की जो चौड़ाई होती है वो 3 इंच होती है। अब यहाँ पर हम आर्म होल लेंथ के लिए निशान लगाएंगे जो कि होगा हमारा 6 इंच। देखिए जो भी आपका शोल्डर आ रहा है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा रखिए, और अगर हैवी साइज है तो आप 6 इंच अगर ये रख रहे हैं तो 6 इंच आपको आर्म होल लेंथ भी रखना है। यहाँ पर मैं 6.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ और अब इन निशानों को हम सीधा कर लेंगे। लगाएंगे 13 इंच पर और हिप के लिए हम 19 इंच पर निशान लगाएंगे। काफी लोग 20 इंच पे भी लगाते हैं, तो आप 19 और 20 के बीच में भी रखते हुए लगा सकते हैं बिल्कुल। यहां पर हमारे लंबाइयों के निशान लग चुके हैं, अब हमें अपने गोलाइयों के निशान लगाने हैं। तो चेस्ट जो है वो है यहाँ पर 36 इंच, उसका 1/4 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 इंच, तो यहाँ पर हम 9 इंच पर निशान लगाएंगे। कमर के लिए हम निशान लगाएंगे 7.5 इंच पर, क्योंकि ये है हमारा 30 इंच कमर। हिप के लिए हम लगाएंगे अगेन निशान 9 इंच पर। वैसे ही कपड़ा आपका स्ट्रेचेबल होता है तो हल्का सा अगर आप इसे फिट भी रखेंगे तो भी ये बिल्कुल अच्छे से फिटिंग इसकी आ जाती है। दामन के लिए निशान लगाएंगे हम 10 इंच पर।
अब इन निशानों को आपस में मिला देंगे। यहां से हम आर्महोल की गोलाई देंगे। अब देखिए यहां पर हम अपने फ्रंट एंड बैक पार्ट दोनों एक साथ कटिंग कर रहे हैं, इसलिए हम अपने बैक वाले आर्महोल को भी इसी के साथ ड्रॉ करेंगे। इसमें हमें ज्यादा डिफरेंस नहीं रखना होता, केवल इसमें हमारा देखिए आधा इंच का डिफरेंस होता है। अब यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए निशान लगा लेने हैं। सारे निशान हमने बिल्कुल अच्छे से लगा लिए हैं। यहाँ पर कंधे के पास से हम हल्का सा इसको देखें आधा इंच तक इस तरीके से डाउन करते हैं। अब इसको फॉलो करते हुए हम इसकी पूरे की कटिंग कर लेंगे, और ध्यान रखिए कि आपको बैक वाले आर्म होल के साथ कटिंग करना है, उसके बाद में हम अपना फ्रंट वाले आर्म होल की गहराई करेंगे। देखिए हमने अपने कुर्ते की कटिंग कर ली है, और ये है हमारा बाकी का बचा हुआ कपड़ा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप अपनी छोटी बाजू बनाना चाहते हैं तो आप इसमें से अच्छे से बना सकते हैं, बट अगर आपको बड़ी बाजू बनानी है, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर ये फुल लेंथ की बाजू पहनी हुई है, तो आपको आधा मीटर और कपड़ा लेना होगा। सो अब आप अपना फ्रंट एंड बैक पार्ट अलग कर लीजिए एक दूसरे से, और अब हम अपने फ्रंट वाले आर्महोल की भी गोलाई कर देंगे। कुर्ती की कटिंग हो गई है, ये है हमारा फ्रंट पार्ट और ये हमारा बैक वाला पार्ट। अब ये जो हमारा बाकी का बचा हुआ कपड़ा था, इसमें से हम कटिंग करेंगे अपने बाजुओं की। तो देखिए ये कपड़ा करीब हमारे पास इतनी चौड़ाई का है और ये है इसकी लंबाई। तो सबसे पहले इसको हमें बिल्कुल बीचों बीच में से इस तरीके से फोल्ड करना है। अब इसको हमें दोबारा से इस तरीके से बिल्कुल बीचों बीच में से फोल्ड कर देना है। तो फोल्ड वाला साइड आपकी तरफ रहेगा एंड ओपन वाला साइड आपका अपोजिट साइड की तरफ रहेगा। तो यहाँ पर हमें अपने दोनों बाजू एक साथ कटिंग करने हैं, इसलिए हमने इसे चार तहों में बिछा लिया है। देखिए एक दो तीन और ये चार। तो इस तरीके से आपको भी अपने कपड़े को पहले तो बिछा लेना है। और यहाँ पर मैं फुल बाजू बना रही हूँ, तो अगर फुल बाजू की लंबाई हम रखेंगे तो यहाँ पर इस वाले कुर्ते की जो लंबाई है वो 21 इंच है, बट मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर थोड़ी बहुत चुन्नटे बने मेरी बाजू में, इसलिए हम इसको यहाँ पर थोड़ा सा लंबा रखेंगे। ऊपर से पहले तो आप एक सीधा निशान बना लीजिए, और यहां से हम निशान लगाएंगे 24 इंच पर, या हम 25 इंच भी रख सकते हैं। अगर आपको ज्यादा चूड़ियां चाहिए तो आप पूरी लंबाई भी रख सकते हैं, बट यहाँ पर हमारी इतनी ज्यादा चूड़ियां आ जाएंगी क्योंकि यहाँ पर देखिए 21 इंच हमारी टोटल लंबाई है, तो हम 4 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा रख रहे हैं। 25 इंच पर निशान लगा लिया है, अब 1 इंच और एक्स्ट्रा लेते हुए एक और सीधा निशान लगाएंगे, क्योंकि यहाँ से हमें कपड़े को फोल्ड करना होगा अंदर की तरफ। ऊपर वाली साइड की तरफ हम आर्म होल की गोलाई के लिए निशान लगाएंगे, तो आर्म होल की जो गोलाई है वो यहाँ पर आएगी हमारे पास 7.5 इंच, और यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं बचा है। तो जब हम अपनी कुर्ती के साथ बाजू को लगाएंगे तो अगर आप यहाँ पर कपड़ा कम पड़ेगा तो हम यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा जोड़ देंगे। ये देखिए इस तरीके से इसको ऊपर से आप मिला दीजिए, और नीचे से जो हमारी चौड़ाई आएगी वो है पूरी राउंड में 8 इंच, जो की हाफ करके आ रही है हमारे पास 4 इंच। तो यहाँ पर हम 4 इंच पर एक सीधा निशान लगाएंगे, क्योंकि हमारा नीचे की साइड पर काफी पतला हो जाता है, इसलिए यहाँ की गोलाई आपको नाप लेनी है। इस तरीके से आप नाप लीजिए, ये इस तरीके से आपको अपने हाथों को नापना है। तो यहाँ पर मेरे पास 8 इंच आ रहा है, ये भी काफी बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा। देखिए उतरनी और चढ़नी चाहिए आपकी बाजू, इसीलिए हमने यहाँ पर 8 रखा है, इसका आधा हमारे पास आया है 4 इंच। अब इसको हमें देखिए ऊपर से यहां से करीब 8 इंच तक एक निशान लगाइए, और यहां पर भी हमें 4 इंच ही रखना है इसे। यहां से यहां तक आप बिल्कुल एक सीधा निशान लगाइए, उसके बाद में इसको थोड़ा सा तिरछा करके हम ऊपर वाले निशान से बिल्कुल एग्जैक्टली इसको मिला देंगे।
अब नीचे वाली साइड पर करीब 1.5 इंच का आपको मार्जिन लेते हुए यहाँ पर अगेन इस तरीके से निशान बना लेने हैं। और यहाँ पर देखिए हमारा इतना कपड़ा कम पड़ रहा है, तो इसको हम बाद में यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़े का जोड़ लगाकर इसको अच्छे से बना लेंगे, अगर हमारी कुर्ती पर सिलाई करते वक्त ये कपड़ा कम हुआ तो। क्योंकि ये स्ट्रेचेबल कपड़ा होता है, ये देखिए ये काफी ज्यादा स्ट्रेचेबल कपड़ा होता है, तो अच्छे से हमारे उसमें फिट भी हो सकता है। अगर नहीं होगा तो हम इसको बाद में यहाँ पर जोड़ लगाकर इसको पूरा करेंगे। अब ये जो हमने निशान लगाए हैं इसकी हमें कटिंग करनी है। बाजू की कटिंग हमारी हो गई है। अब इसमें से हम अपने दो पार्ट्स को इस तरीके से पकड़ेंगे और दो पार्ट को आपको नीचे की साइड पर ही छोड़ देना है। अब यहाँ पर हमें हल्का सा देखें इस तरीके से राउंड में कट करना होता है। ये हमारा आगे वाले यानी कि फ्रंट वाले पार्ट के साथ जुड़ता है, इससे काफी ज्यादा अच्छी यानी कि हमारी जो फिटिंग है वो काफी अच्छी बैठती है बाजू की और खिंचता नहीं है कपड़ा। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से कटिंग करनी होती है केवल दो पार्ट्स में जो कि आपके आगे वाले पार्ट्स के साथ जुड़ता है, और ये दो पार्ट हमारे एज यूजुअल रहते हैं जो कि हमारे बैक वाले साइड से जुड़ते हैं। तो यहाँ पर हो गई है हमारी बाजू की कटिंग कंप्लीट और इसी के साथ साथ हमारी पूरी कुर्ती की भी कटिंग कंप्लीट हो गई है। और तो चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना नेक बनाएंगे और उसके लिए मैंने देखिए बुकरम पर ये गोल गले की कटिंग कर ली है। इसको हम सबसे पहले नेक कपड़े पर लगाएंगे, बुकरम वाले नेक को कपड़े पर लगाएंगे, इस तरीके से सिंपली स्टिच करके सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए हमने दोनों फ्रंट और बैक नेक को इस तरीके से कपड़े पर लगा लिया है। अब इसको हम अपनी कुर्ती पर अटैच करेंगे। तो इन डिटेल अगर आपको देखना है कि हम इस नेक को कैसे कटिंग करते हैं और कैसे बनाते हैं, तो ऑलरेडी मैंने गोल गले की कटिंग और स्टिचिंग शेयर की हुई है अपनी क्लास 2 और 3 में, तो आप वहाँ पर से जाकर के देख सकते हैं, बहुत ही आसानी से मैंने बताया है। उसका लिंक मैं आपको वीडियो के एंड में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। अब देखें इस तरीके से सिलने के बाद हम छोटे छोटे कट लगाएंगे और इसको पिछली साइड की तरफ पलट देंगे। नेक को आपको सीधी वाली साइड की तरफ रखकर स्टिच करना है, तो ये हमारा बैक साइड की तरफ देखें इस तरीके से पलट जाएगा। अब ऐसे ही हम अपने दोनों साइड्स के ये गले बना लेंगे। ये देखिए हमने अपने दोनों गलों को रेडी कर लिया है बना करके, और पीछे वाली साइड पे मैंने यहाँ पर डोरी लगाई है। तो अब सबसे पहले हम इसके कंधे जोड़ेंगे, नेक बनाने के बाद आपको कंधे जोड़ने होते हैं। तो इसको देखिए जो हमारे बुकरम वाले पार्ट हैं, जो गले वाले पार्ट हैं, उसको हम बाहर के साइड की तरफ निकाल देंगे। अभी जो हमारे दोनों उल्टे साइड हैं वो अंदर की तरफ है, तो यहाँ पर केवल एक पैर से भी कम मार्जिन लेते हुए पहले तो बिल्कुल किनारे पर आपको एक सिलाई लगानी है, जिससे कि जो हमारे दोनों पार्ट हैं ना वो आपस में जुड़ जाएं। ध्यान रखिए कि हमने अभी सीधे साइड अपने ऊपर की तरफ रखे हैं अभी, और सिलाई जो आपको लगानी है वो केवल आपको बुकरम से पहले पहले ही लगानी है। दोनों कंधे पर देखिए इस तरीके से सिलाई लगा ली है। अब पूरे कपड़े को आप उल्टा कर लीजिए और अब इस तरीके से हम पकड़ेंगे और एक पैर का मार्जिन लेते हुए पूरे बुकरम तक हमें पूरे एंड तक सिलाई लगानी है। इससे क्या होगा, बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग आएगी आपके पूरे गले में, और ये बनने के बाद बहुत ही अच्छे से रेडी भी होता है। इसमें आपको इंटरलॉक करने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, तो आप अपने किसी भी सूट के कंधे इस तरीके से जोड़ सकते हैं। तो देखिए हमारे दोनों कंधे इस तरीके से रेडी हो जाएंगे और अब इसको आप उल्टा कर लीजिए। अब हमें अपने जो ये गले हैं अंदर वाली उल्टी वाली साइड की तरफ पलटने हैं। तो देखिए जो कंधे वाला साइड है उसको ऊपर की तरफ, बैक वाली साइड की तरफ पलटेंगे और अब अंदर पूरा बुकरम अंदर की तरफ पलटते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ पर छोटी ही सिलाई लगाएंगे क्योंकि जो वेलवेट का कपड़ा है इसमें तुरपाई नहीं की जाती, इसमें जो हमारा धागा है वो इतना ज़्यादा नज़र नहीं आता और बिल्कुल अच्छे से दब जाता है। तो ये देखें ये इस तरीके से हमारा पूरा गला भी बनकर रेडी हो गया है और काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है हमारा, काफ़ी फिनिशिंग से बना है हमारा ये गला। अब दोनों पार्ट को बिल्कुल बराबर करते हुए बिछा लेंगे और हम यहाँ पर अपनी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले हम निशान लगा लेंगे दोनों साइड्स की तरफ। वैसे एक साइड की तरफ तो निशान हमारा नज़र आता ही है क्योंकि जब हम कटिंग करते हैं तो हमारा इस साइड पर निशान लगता है, तो ऐसे ही दोनों साइड पर बिल्कुल सेंटर नापते हुए ऐसे आपको अपनी चेस्ट, वेस्ट और हिप का नाप लगा लेना है। और अब इसी निशान पर हमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए ये जो हमारा वेलवेट का कपड़ा होता है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेचेबल होता है, तो इसको अगर आप थोड़ा फिट भी बनाएंगे तो भी अच्छे से एकदम फिट हो जाता है बॉडी पर। अब देखिए ये जो हमने जो साइड्स हैं हमारे वो बिल्कुल अच्छे से स्टिच हो गए हैं। इसके बाद में हम अपने दामन वाले पार्ट्स को फोल्ड करेंगे।
तो देखिए, सबसे पहले दामन फोल्ड करेंगे, उसके बाद में चाक को मोड़ेंगे। सबसे पहले हम अपने नीचे वाले पार्ट मोड़ेंगे, तो जो दामन है उसको देखिए एक बार और दो बार फोल्ड करते हुए यहाँ पर हम पक्की सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर आपको तुरपाई नहीं करनी, क्योंकि जो हम सिलाई लगा रहे हैं बिल्कुल अच्छे से दब जाएगी। तो आगे पीछे के दोनों पल्ले पहले नीचे वाले मोड़ लेंगे, उसके बाद में ये साइड्स मोड़ेंगे जिसको हम चाक कहते हैं। तो ये देखिए, इसको भी आपको ऐसे सिंपली बिल्कुल सीधी सिलाई लगाकर ऐसे मोड़ देना है। और ये हमारा छोटा सूट है तो बहुत ही आसानी से हमारा मुड़ जाएगा। अब देखिए, यहाँ तक पूरी सिलाई लगाते हुए अब दूसरी साइड की तरफ भी साथ ही साथ में हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो इसी साइड की तरफ ऐसे घुमा लेना है आपको कपड़े को, और जब आप घुमाएंगे तो सुई आपकी कपड़े के अंदर की तरफ रहनी चाहिए। इससे क्या होगा, बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग आएगी और बिल्कुल सीधी सिलाई आपकी लगेगी। तो इस वाली साइड की तरफ भी पूरे में नीचे तक ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। और इस तरीके से हमने अपने दोनों साइड्स देखे मोड़ के रेडी कर लिए हैं। तो आपको ऐसे अभी हमारा जो कुर्ता है वो पूरा रेडी हो गया है। अब इसमें हम थोड़ी सी फिनिशिंग करेंगे और थोड़ी सी डिज़ाइनिंग डालेंगे। तो इसके जो चाक हैं यहाँ पर हम ये लेस लगाएंगे। ये देखिए जरी की लेस है, इस तरीके से किनारी वाली ये लेस है। तो इससे लगाने से इसमें काफ़ी सुंदर सा इफेक्ट आ जाएगा और सिंपल सी कुर्ती एकदम डिज़ाइनर और पार्टी वेयर बन जाएगी। तो आप अपनी प्लेन कुर्ती को, अगर आपकी पुरानी भी कोई कुर्ती पड़ी है उसको भी आप ऐसे रीयूज कर सकते हैं। तो इसके नीचे हम देखें इसको कुछ इस तरीके से रखेंगे और इसके बिल्कुल किनारे किनारे पर रखते हुए हम सिलाई लगाएंगे। लेस को हमने देखें उल्टी वाली साइड की तरफ से अंदर की तरफ रखा है, नीचे की तरफ दबाते हुए रखा है, और सिलाई हम सीधे वाली साइड की तरफ लगा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, बिल्कुल सीधी सिलाई लगा ली हमने, यहाँ पर घुमाव आ गया है। तो घुमाव की जगह पे भी आपको ऐसे ही सिलाई लगानी है, जो सुई है हमारी वो घुमाते हुए कपड़े को आपको सुई कपड़े के अंदर ही रखनी है। और इसके बाद में देखिए, हमारी जो लेस है वो थोड़ी थोड़ी ही केवल नज़र आएगी, और ये हमारी थोड़ी सी स्ट्रेचेबल लेस है इसलिए आसानी से मुड़ जा रही है। तो आप इस यहाँ पे लगाने के लिए कोई स्ट्रेचेबल लेस ही लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आपकी एक आध प्लेट आती है जैसे घेरे वगैरह के पास, तो आप ऐसे बना सकते हैं। अच्छा, पूरी चाक पे आपका एक साथ दामन वगैरह पे पूरी लेस ये एक ही बार में लग जाएगी, आपको कहीं पर इसको काटना और हटाना नहीं है। तो देखिए, जो आपकी चाक वाला पार्ट है वहाँ पर भी आपको इसे ऐसे ही लगा देना है। तो ये हमारा देखें यहाँ पर पूरा ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। तो आप भी अपने प्लेन कुर्ते को ऐसे डिज़ाइनर बना सकते हैं। ये पूरा कट करने के बाद यहाँ पर हम इसको रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए, जो हमारी पूरी कुर्ती है उस पर ऐसे ये लगकर तैयार हो गया है। और देखिए, बैक वाली साइड से भी काफ़ी अच्छे से फिनिशिंग आती है इस तरीके से लगाने पर। तो चलिए, अब हम इसकी स्लीव्स लगा लेते हैं। और बाजू लगाने भी बहुत ज़्यादा आसान है। देखिए, बाजू की कटिंग हमने ऑलरेडी कर रखी है। इसके बॉटम पे भी हम सेम यही वाली लेस लगाएंगे। तो लगाने का तरीका देख लीजिए आप, इसको कैसे लगाना है आपने। इसके सीधे वाली साइड की तरफ लेस को उल्टा करके रखना है और थोड़ा सा ऊपर करते हुए रखेंगे हम इसे। अब करीबन एक पैर का मार्जिन लेते हुए हम लेस पर सिलाई लगाएंगे, और कपड़े के सीधे वाली साइड की तरफ रखा है हमने, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद हम इस पूरी लेस को पीछे वाली साइड की तरफ पलट देंगे और एक पैर का मार्जिन लेते हुए दोबारा से सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारा देखिए बिल्कुल इस तरीके से बाजू में भी लेस लग जाएगी बहुत ही आसानी से। उसके बाद में इसकी हम फिटिंग की सिलाई लगाकर इसको हम अपनी कुर्ती के साथ अटैच कर लेंगे। तो देखिए, बाजू जो हमारी है वो इस तरीके से लग गई है और बिल्कुल अच्छे से इसमें भी हमारी फिनिशिंग आ गई। कहीं पे भी कुछ ऐसा जोड़ वगैरह या फिर कहीं पे सिकुड़न नहीं आई है। और ये पहनने के बाद देखें कुर्ती हमारी कुछ इस तरीके से लग रही है। अच्छा, इसके नीचे जो मैंने गरारा बनाया है वो भी आप सिंपली बना सकते हैं, और इसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने शेयर की हुई है। काफ़ी सुंदर और बहुत ही सिंपल एंड सोफेस्टिकेटेड सा सूट लग रहा है। आई होप कि आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। इसके साथ मैंने देखिए लाइट कलर का दुपट्टा लिया है, आप भी इसको इसी तरीके से स्टाइल कर सकते